मैं तो ये बोलूंगी अगर आपको इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती है ना, फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बट घर में माहौल बनाइए तो सही है इंग्लिश का। हाय गाइस, इंग्लिश बोलना शुरू करें सीरीज का है ये एपिसोड नंबर 5। आई होप पहले वाले चारों एपिसोड्स आपने देख लिए होंगे और उनको देखकर आपने इंग्लिश खुद सीख ली होगी और फिर अपने बच्चों को भी सिखा दी होगी। और मैंने जैसे कि बहुत बारी बताया है, जैसे ही बच्चा शुरू करे बोलना, तभी से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है बच्चे के साथ बोलिए, ताकि जिस तरह से बच्चा जो अपनी मदर टंग सीखता है, अपनी मातृभाषा सीखता है, वैसे ही इस तरह के सेंटेंसेस जो है छोटे छोटे वो सीखने शुरू कर दे और जल्दी ही इंग्लिश जो है वो बोलना स्टार्ट कर दे। आप सबको पता है कि आज की दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा जो इंग्लिश है उसका नॉलेज रिटन भी और स्पोकन भी, स्पोकन जो है हम बच्चे को पहले स्टार्ट करा देंगे। जैसे ही बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, कुछ सेंटेंसेस इस तरह से हम ले रहे हैं ताकि बच्चा जो है वो बोलना स्टार्ट कर दे, पर आपकी गाइडेंस में। अगर आप घर में वो बोले सेंटेंसेस बच्चे के साथ बोलेंगे तभी वो बोल पाएगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि माता पिता जो हैं, मदर और फादर जो हैं, पहले मेरे ये वाले एपिसोड्स देखकर इंग्लिश बोलना सीखें, छोटे छोटे सेंटेंसेस, और फिर बच्चे के साथ वो बोले सेंटेंसेस जो है वो बोले, और जब वो घर में बोलेंगे वो बोले सेंटेंसेस तो बच्चा नेचुरली जो है सीख जाएगा। तो सीखते हुए जब बच्चा जब बड़ा होता है ऐसी चीज़ों को, तो कभी भी वो भूल नहीं पाता है। उसके लिए ऐसा नहीं होता कि वो याद करो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। जैसे मदर टंग बच्चा सीखता है, जैसे अपनी मातृभाषा सीखता है, जो कि जो सेंटेंसेस वो सीख लेता है कभी उसको भूलते नहीं है, उसी तरह से ही इन सेंटेंसेस के बारे में भी होगा। आज जो मैं सेंटेंस लेके आई हूँ है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। और वो सेंटेंस है प्लीज गिव मी। बच्चे को सिखाना है, अगर उसको आपसे पानी मांगना है तो बच्चे को ये नहीं आपको बोलना है कि मम्मा प्लीज मुझे पानी दे दो, बच्चे को बोलना है कि वो आपसे ये बोलेगा कि मम्मा प्लीज गिव मी वॉटर। ठीक है, मम्मा प्लीज गिव मी वॉटर। अगर उसको बोलना है पानी के लिए तो क्या बोलेगा बच्चा, मम्मा प्लीज गिव मी वॉटर। अगर उसको खाना मांगना है आपसे, मैं बहुत सारी तरह से ये वाले सेंटेंसेस जो है ये एक सेंटेंस जो है बहुत तरह से आपको सिखा दूंगी कि किस तरह से आपने बच्चे को बोलना है कि वो आपके साथ वो बोले सेंटेंसेस बोले, और आपने भी बच्चे के साथ बोलने हैं अगर आपको बच्चे से कुछ लेना है तो, वो भी मैं उस पर भी आती हूँ। ठीक है, पहले बच्चे ने जो आपसे बोलना है, और फिर उसके बाद एपिसोड नंबर 3 में मैंने आपको दो सेंटेंसेस कराए थे, सॉरी फ्रेजेस कराए थे, जैसे कि टेक दिस और थैंक यू, है ना, एपिसोड नंबर 3 में था, उन दोनों का भी यहाँ पर यूज होगा। तो तभी मैं बोलती हूँ कि जो सेंटेंसेस हम कर रहे हैं, जो वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ, जो फ्रेजेस मैं आपको करवा रही हूँ इंग्लिश में, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगे। ये नहीं कि एक ही सिचुएशन में काम आएंगे, बहुत सारी सिचुएशंस में वो काम आएंगे। तो आज जो मैं आपको सेंटेंस सिखाने जा रही हूँ उसमें टेक दिस और थैंक यू, जो कि मैं पहले ही एपिसोड्स में आपको सिखा चुकी हूँ, उनका भी हम यूज करेंगे। तो जैसे कि बच्चे ने अगर आपसे पानी मांगा है तो बच्चा आपको कहेगा कि मम्मा प्लीज गिव मी वाटर, या पापा को बोलेगा पापा प्लीज गिव मी वाटर, और आपने पानी का ग्लास भर के बच्चे को देना है और बच्चे को बोलना है टेक दिस, कि मतलब ये लो। बच्चे को ये नहीं बोलना है आपने ये लो, बच्चे को बोलना है टेक दिस, जो मैं पहले ही आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, और बच्चा उसके बाद आपको क्या बोलेगा, थैंक यू मम्मा। तो क्या हुआ, देखो तीन तरह से बोला इंग्लिश, बच्चे ने भी आपने भी बोला, मतलब घर में माहौल बन गया ना। तो कभी भी स्कूल को ब्लेम मत करिए, स्कूल में बच्चा 6 घंटे रहता है, बाकी टाइम वो आपके पास रहता है, तो पेरेंट्स की भी पूरी जिम्मेवारी है कि वो बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करें अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा फराटेदार इंग्लिश बोले। तो क्या करना होगा, हमें जैसे ही बच्चा बोलना स्टार्ट करे उसको ये चीज सिखा देनी है। फिर भी आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया कोई बात नहीं, कोई भी काम जो है अगर हम देर से शुरू करते हैं, पर ना करने से तो अच्छा है ना, देर से शुरू करें तो क्या हुआ। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ कई लोगों को जिन्होंने 25 साल में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो ऐसा नहीं है, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ी क्लास में चला गया, फर्स्ट में चला गया, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, नो प्रॉब्लम, अभी स्टार्ट कर दीजिए। पेरेंट्स को कई बार लगता है हमें तो इंग्लिश आती नहीं है तो हम क्या करें, हम कैसे बच्चों को सिखाएं। सीखिए ना, आप भी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप भी सीख लीजिए इंग्लिश बोलना, बच्चे के साथ बोलिए, और बच्चा जब आपसे मांगेगा ना मम्मा प्लीज गिव मी वॉटर, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, पापा प्लीज गिव मी वॉटर,
तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो बहुत सारे जो है मैं आपको सिखा देती हूँ कि प्लीज गिव मी के साथ किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। पानी मांगना है तो बच्चे को बोला बेटा बोलो मेरे से, मेरे को ये बोला मामा प्लीज गिव मी वाटर, तो वो बोलेगा आपसे और आप उसको बोलोगे पानी देते हुए टेक दिस, और वो बोलेगा थैंक यू। आपको उससे खाना मांगना है तो वो बोलेगा मामा प्लीज गिव मी फूड, ठीक है, तो आप बोलोगे टेक दिस, ठीक है टेक दिस बेटा, और वो बोलेगा थैंक यू। और आप बोलो, वो बोल सकता है कि मम्मा प्लीज गिव मी अ पेंसिल, अगर उसको एक पेंसिल लेनी है आपसे तो वो बोलेगा मम्मा प्लीज गिव मी अ पेंसिल, मम्मा मुझे एक पेंसिल दे दो। वाटर और फूड के सामने अ नहीं लगाना है, लेकिन एक चीज जैसे है अ पेंसिल, मम्मा प्लीज गिव मी अ पेंसिल, तो वो बोलेगा मम्मा प्लीज गिव मी अ पेंसिल, मुझे पेंसिल दे दो। मम्मा प्लीज गिव मी एन इरेजर, इरेजर के आगे एन लगता है, पहले भी मैंने आपको बोला क्यों लगता है एन, उसके बारे में अभी आप चिंता मत करिए, अभी आप बोलना सीखिए, क्योंकि आप अपनी मातृभाषा सीखने से पहले कभी भी ग्रामर नहीं सीखते, सीखते हो कभी नहीं ना, तो मैं आपको उसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखा रही हूँ जो कि आप सीख जाओ, और फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर ऐसी हैं जिनमें मैंने ग्रामर भी सिखाई है, तो फिर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज मम्मा प्लीज गिव मी एन इरेजर, और उसके बाद अगर आपको उसे स्केल मांगना है तो वो बोलेगा कि मामा प्लीज गिव मी अ स्केल, अगर उसने आपसे ब्रेड का एक पीस मांगना है तो वो बोलेगा मामा प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अगर एक पीस मांगना है उसको, ठीक है एक स्लाइस मांगना है, मामा प्लीज गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अगर उसको टू स्लाइसेस लेने हैं आपसे, कई मेरे बच्चे बोल देते ना मामा मेरे को दो ब्रेड पीस दे दो, दो ब्रेड पीस दे दो, तो बच्चा क्या बोलेगा आपसे, उसको सिखाना है आपने मामा प्लीज गिव मी टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब देखो ये टीचर नहीं सिखाएगी ना, ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी चीजें आप सीखिए, बच्चे को सिखाइए, ठीक है। मामा प्लीज गिव मी टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अगर उसको आपसे केक लेना है मामा प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ केक, केक के लिए अ पीस ऑफ केक, ठीक है मामा प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ केक, अगर उसको लेना है आपसे बिस्किट, ठीक है, और अगर उसको आपसे दो बिस्किट लेने हैं तो वो क्या बोलेगा, मामा प्लीज गिव मी टू बिस्किट्स, ठीक है। और अगर ये बोल रहे हैं कि मम्मा प्लीज गिव मुझे कुछ बिस्किट दे दो, मम्मा कुछ थोड़े से बिस्किट देना मेरे को, बच्चे बोलते हैं ऐसे मम्मा थोड़े बिस्किट दे दो, थोड़े से बिस्किट दे दो, तो कैसे सिखाना है बच्चे को, मम्मा प्लीज गिव मी सम बिस्किट्स, ठीक है। और अगर आपके पास उसकी कोई न्यू ड्रेस पड़ी, आप न्यू ड्रेस लेकर आए अलमीरा में रख दी और उसको वो चाहिए वो ड्रेस, वो पहनना चाहता है, बच्चे ऐसे करते हैं बार बार मांगते हैं, तो वो कहते हैं ना मम्मा मेरी न्यू ड्रेस मुझे दे दो, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों को, कैसे सिखाएंगे, मम्मा प्लीज गिव मी माई न्यू ड्रेस, क्या होगा आप दो चार बार ही बच्चे को बोलेंगे, बच्चे वैसे भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कहते हैं ना बचपन जो होता है, जो बच्चे होते हैं वो चिकने घड़े की तरह होते हैं, जैसे जैसे हम उनको ढालेंगे, जैसे जैसे हम उनको बनाएंगे वो वैसे ही बनते चले जाएंगे। अगर हम घर में बिल्कुल इंग्लिश का माहौल रखेंगे ही नहीं, सिर्फ स्कूल पे ही छोड़ देंगे, नहीं कर पाएगा बच्चा, बहुत लेटर स्टेज में अपनी हिम्मत से वो कर पाए तो ठीक है, नहीं तो उसको ये कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि वो किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर कहीं वो गया है तो वो इंग्लिश में बात कर पाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं, वो आपस में बात करना सिखा देंगे थोड़ी बहुत, लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ नहीं सिखाई जाती ना स्कूल में, छोटी छोटी चीज़ें। तो अगर बच्चे को लेनी है टू स्लाइसेस थोड़े से बिस्किट, तो मैंने जैसे बोला मम्मा प्लीज़ गिव मी सम बिस्किट्स, और न्यू ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे जैसे, कि वो बोलेगा मम्मा प्लीज़ गिव मी माई न्यू ड्रेस, अगर उसे उसने चाहिए आपसे रेड ड्रेस तो वो क्या बोलेगा, प्लीज गिव मी माई रेड ड्रेस, तो इस तरह से वो आपसे बात करेगा। और अगर उसको चाहिए आपसे एक नई नोटबुक, क्योंकि नोटबुक जब खत्म हो जाती है तो बच्चे कहते हैं कि मम्मा एक न्यू नोटबुक दे दो, तो एक न्यू नोटबुक देना, तो कैसे मांगेगा, मम्मा प्लीज गिव मी अ न्यू नोटबुक, ठीक है। और अगर बच्चे ने आपको ये बोलना है कि मम्मा रिमोट देना, तो वो बोलेगा मम्मा प्लीज गिव मी द रिमोट, ठीक है। यहाँ पे अ रिमोट नहीं होगा, यहाँ पे द रिमोट होगा, क्योंकि पर्टिकुलर रिमोट की हम बात कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिख देना, प्लीज मेरे से पूछ लेना अगर आपको कोई भी डाउट आता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, मैं तो ये बोलूंगी अगर आपको इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती है ना, फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, मेरे से सीख सकते हैं, ये वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप बोलना शुरू कर देंगे, अगर आपको नहीं भी पढ़ना आता है, अगर आपको हिंदी भी नहीं पढ़नी आती है, हिंदी बोल लेते हो तो इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती तो इंग्लिश भी बोल लोगे, मैं पूरा कॉन्फिडेंस जो है उसके साथ बोल रही हूँ आपको। तो रिमोट के लिए वो बोलेगा तो मामा प्लीज गिव मी द रिमोट, और बच्चे को बोल दीजिए किसी से फोन मांगने के लिए इंग्लिश में, तो मजाल है वो उसको मना कर जाए, आप बच्चे को सिखा दीजिए प्लीज गिव मी योर फोन,
मम्मा प्लीज गिव मी योर फोन, बच्चे को सिखा दीजिए। और अगर पापा से उसको मांगना हो, पापा प्लीज गिव मी योर फोन, पापा जब देखेंगे ऑफिस से जब आएंगे कि बच्चे ने मेरे से मोबाइल मांगा इंग्लिश में, तो इतने खुश हो जाएंगे कि दिए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और वैसे हो सकता है बोल देंगे नहीं नहीं मुझे नहीं देना तेरे को अपना फोन, तू खराब कर देगा, तू ये कर देगा। अगर बच्चा मांगेगा इंग्लिश में तो इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुशी से भर जाएंगे कि मेरे बच्चे ने, मेरे 1.5 साल के बच्चे ने, मेरे छोटे से बच्चे ने मुझसे इंग्लिश में फोन मांगा, पक्का दे देंगे। पापा प्लीज गिव मी योर मोबाइल, पापा प्लीज गिव मी योर फोन, कुछ भी बोल दे, है ना। तो मोबाइल ही होता आजकल, तो लैंडलाइन तो कम ही चलता, और वैसे भी वो देते नहीं है लैंडलाइन, तो ठीक है। मम्मा प्लीज गिव मी योर फोन, पापा प्लीज गिव मी योर मोबाइल, मम्मा प्लीज गिव मी योर मोबाइल। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप बच्चे के साथ बोल सकते हैं। और मैंने आपको इतनी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी है आज, मुझे नहीं लगता कि आज ही आप ये वाला सेंटेंस नहीं बोलेंगे घर में। और अगर आपने बच्चे से कुछ मांगना है तो आप क्या बोलोगे, अगर प्लीज बोले, और हर बारी जब बच्चा आपसे कुछ मांगेगा आप उसको दोगे, तो ये याद रखना कि आपने उसको बोलना है टेक दिस, ठीक है। वो बोलेगा कि मम्मा प्लीज गिव मी माई न्यू ड्रेस, तो आप क्या बोलोगे, टेक दिस, और वो बच्चा आपको बोलेगा थैंक यू। वो बोलना भूल जाता है, आपको उसको याद कराना है, आप उसके पेरेंट हैं, जैसे आप उसको सिखाएंगे वैसे ही वो सीख जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, बट घर में माहौल बनाइए तो सही है इंग्लिश का, एक बार ही माहौल बनाइए, देखिए कैसे बच्चा बोलता है इंग्लिश। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस, हाँ मैं ये नहीं कहती कि पूरा दिन आप इंग्लिश में ही बात करिए, लेकिन कुछ सेंटेंसेस जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, और ये वाला सेंटेंस जो मैंने आज आपको सिखाया है अलग अलग तरीकों से, नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना, ताकि कई बार वीडियो देखना रह भी जाता है तो नोटबुक हमेशा आपके सामने रहेगी। नोटबुक सामने रहेगी तो आप उसको खोलकर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये वाला सेंटेंस बोलना भी सीखा था, तो मैं इसको आज ज़रूर यूज़ करूँगी। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, रोज़मर्रा में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं, तो आप यूज़ करेंगे, इंग्लिश बोलने का माहौल बनेगा, बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो आप इंग्लिश बोलते ही नहीं थे ना घर में, पर आप बोलने लगे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बोलने लगे हैं। तो इस तरह से बच्चे से आपको भी कई बार कोई चीज़ मांगनी होती है कि बेटा अपनी पेंसिल देना, तो आप क्या बोलोगे, आप उसको प्लीज़ नहीं भी बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे नाम भी बोल सकते हो उसका, मोहित गिव मी योर पेंसिल, योर पेंसिल, उसमें उसकी पेंसिल अगर मांग रहे हो तो योर बोलना है, ठीक है। बच्चा आपसे बोलेगा कि मम्मा एक पेंसिल देना मुझे, तो वो क्या बोलेगा, मम्मा गिव मी अ पेंसिल। अगर आपको बच्चे की पेंसिल मांगनी है तो बोलोगे मोहित गिव मी योर पेंसिल, मोहित गिव मी योर पेंसिल, मोहित मतलब मुझे अपनी पेंसिल देना, ठीक है। प्लीज भी बोल सकते हो, तो मोहित प्लीज गिव मी योर पेंसिल, मोहित गिव मी योर पेंसिल, मोहित गिव मी योर इंग्लिश बुक, मोहित गिव मी योर इरेजर, मोहित गिव मी योर स्केल, कुछ भी हमें चाहिए होता है, बहुत बारी बच्चों से चाहिए होता है हमें कुछ चीज़ें, तो बच्चे को भी बोलना है कि आपने मुझे बोलना है कि टेक दिस, और वो आपको देगा। जब आप बच्चे के साथ बोलोगे ना तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, बच्चा भी आपको ऐसे बोलेगा टेक दिस मम्मा टेक दिस, और आप क्या बोलोगे, थैंक यू मोहित, या जो भी आपके बच्चे का नाम है वो ले लेना। आई होप आज जो मैंने सेंटेंस आपको सिखा दिया है, मम्मा प्लीज गिव मी अ न्यू पेंसिल, मम्मा प्लीज गिव मी एन इरेजर, मम्मा प्लीज गिव मी स्केल, तो इससे क्या होगा कि मुझे लगता है कि आज से ही आप ये वाला सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देंगे, और साथ में टेक दिस एंड थैंक यू भी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, क्योंकि मेरी ये बहुत ज़्यादा इच्छा है कि जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो सीखें और बोलें और कॉन्फिडेंट फील करें। और शेयर भी कर लेना आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, क्योंकि आप सबको पता है जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं तो वो हमें और भी ज़्यादा आती है। तो चलिए करती हूँ आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।